हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी ड्रेस विथ बेल स्लीव्स, जिसके लिए यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने टाफेटा का फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल मैं लूँगी यहाँ पर 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और बैक की लेंथ में रखूँगी 4 इंचेस। तो इस तरह से यहाँ पे हम दो नेक ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना है, तो देखिए इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। अब अंदर से एक पार्ट को हमें निकाल देना है, और ये जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे अच्छे से 2 फोल्ड करके ये जो हमारी नेक लाइन है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों नेक कट कर लिए हैं। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक हमने 4 फोल्ड किया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 15 इंचेस जितना। अब जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे प्लेस करना है, और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है लेंथ तक। तो इस तरह से ये मैंने एक्सटेंड कर लिया है, और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है मैंने। तो इस पार्ट को हमें कट करना है, तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। यह है हमारा बॉटम का पार्ट। अब यहाँ से हम कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में पैटर्न करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से ट्रायंगल में 2 फोल्ड किया हुआ है, और जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, और यहाँ पे हम इसे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है, तो लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 24 इंचेस। यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे, तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो यह है हमारा बॉटम का पार्ट फ्रंट के लिए, जिसमें हमें पैटर्न ड्रॉ करनी है। तो इसमें हमें शेप ड्रॉ करना है, तो इस तरफ से हमें 12 इंचेस पे एक मार्क करना है, और इस लाइन को हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से 8 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है, और इस लाइन को भी हमें राउंड शेप देते हुए नीचे तक इस तरह से एक्सटेंड कर लेना है, और जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है, जिसे हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 7 इंचेस जितना। अब यहाँ से हम 2.5 इंचेस पर मार्क करके इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। लेंथ मैंने ली है यहाँ पर 10 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 6 इंचेस, और दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो यह है हमारी स्लीव्स, हमारे पास इस तरह की 2 स्लीव्स हैं। अब देखिए, बेल स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को फिर से मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 9 इंचेस जितना। अब लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 10
9 इंचेस। तो 9 इंचेस पर मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। उसके बाद जो हमने स्लीव्स कट की थी उसे यहाँ पे रखते हुए ये जो हमारा ब्रॉडनेस है उसे मार्क कर लेना है। उसके बाद इसे क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। तो इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह की दो स्लीव्स हमने कट कर ली है। इसी तरह से मैंने ऊपर की एक और लेयर कट की है जिसकी लेंथ मैंने ली है 5.5 इंचेस। तो इस तरह की दो लेयर हमने कट की है। अब फ्रंट पार्ट में पैटर्न करने के लिए मैंने फैब्रिक को 2/4 में रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने जो टॉप का पार्ट कट किया था उसे प्लेस करना है। उसके बाद सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो नेक लाइन हम यहाँ पे कम करेंगे। तो 1.5 इंचेस पे एक मार्क करके यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो यहाँ पे फ्रंट में हम हाई नेक ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना है। तो 5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है और इस तरफ से भी हम 5 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह का पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। ऊपर का नेक हमें कट करना है। तो इस तरह से हमारे पास दो पीस है। अब देखिए जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे मैंने सीधा यहाँ पे रख के बेस फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो फ्रंट और बैक का हम बेस फैब्रिक इसी तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बेस फैब्रिक को कट कर लिया है और फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने कट कर लिया है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले एक पार्ट हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम आर्म होल, नेक पार्ट और दूसरे आर्म होल में सिलाई करेंगे। उसी तरह से ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसे भी मैंने इसी तरह से अरेंज किया हुआ है। आर्म होल और नेक लाइन और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। जो हमने पैटर्न के लिए कट किया था उसे भी हम इसी तरह से अरेंज करेंगे। उसके बाद नेक लाइन और ये जो हमारा पूरा शेप है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें हल्के हल्के इस तरह से कट लगाने हैं। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद इस पार्ट को हम यहाँ से राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। इसी तरह से इस पार्ट को भी हम टर्न करेंगे और ये जो हमने ऊपर पैटर्न करने के लिए जो बनाया था उसे भी हमें टर्न कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सभी पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने फिक्स कर लिया है। अब इस एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रख के शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर लिया है। अब हमें नीचे का पार्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले जो हमने शेप ड्रॉ किया था उसकी बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। इस तरफ की भी बॉर्डर हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ये हमारा फ्रंट का बॉटम है जिसके ऊपर हम इस पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर दोनों को अच्छे से मिला के यहाँ पर हम जॉइन करेंगे और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगानी है दोनों तरफ। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अभी है हमारा टॉप का पार्ट। तो टॉप और बॉटम को हमें जॉइन करना है। तो इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को बैक के बॉटम के साथ जॉइन कर लेना है। तो ये देखिए टॉप और बॉटम को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है।
इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो हमने बेल स्लीव्स कट की थी उसकी बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें चारों की बॉर्डर फोल्ड करनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। मैंने एक के ऊपर दूसरा ओवरलेप कर लिया है और इसके ऊपर हमें इस तरह से उल्टा रख के इसे सिलाई कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स हमारे जॉइन हो जाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को इसके साथ जॉइन करना है। तो इसके नीचे हमें स्लीव्स को रखना है और ऊपर से कवर सिलाई लगा के हम स्लीव्स को यहाँ पे जॉइन करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे स्लीव्स भी जॉइन कर लेना है। तो ये दोनों स्लीव्स को मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये देखिए हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमें दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई के लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो दोनों तरफ आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। पूरी लेंथ में आपको बॉर्डर फोल्ड करनी है। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको आप रेडीमेड पेज लगा के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से लेस लगा दी है और मैंने यहाँ पे पेज से इसे डेकोरेट कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी ड्रेस विथ बेल स्लीव्स बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी ड्रेस। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।